चलिए सारे लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। तो आज हम लोग बोर्ड पे नहीं देखेंगे, आज हम लोग बोर्ड पे देखने वाले नहीं। आवाज आ रहा है क्या मेरा? कोई ऑनलाइन हो तो थोड़ा बताइए। आवाज आ रहा है? वॉइस सही जा रहा? क्योंकि आज हम लोग बोर्ड पे नहीं है। ठीक है, चलिए। ओके, तो पिछला क्लास में हम लोग स्टेप डेविएशन सॉरी शॉर्टकट मेथड देख रहे थे, लेकिन कुछ वजह हुआ कि हम लोग जल्दी उस क्लास को ऑफ कर लिए थे। इसलिए आज भी एक क्वेश्चन हम लोग पहले शॉर्टकट मेथड से देखेंगे, तब फिर आगे बढ़ेंगे। बुक का ही क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, बुक का ही क्वेश्चन नंबर 11 देखना है। लिखा हुआ सही पता चल रहा है ना? ये भी बता दीजिए, तो फिर थोड़ा बड़ा लिखेंगे। ओके, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोगों का क्वेश्चन है सी आई जो दिया है वो है 12 से 18, 18 से 24 24 से 30, 30 से 36 और 36 से 42, इसका फ्रीक्वेंसी F, कैपिटल में हम F लिख रहे हैं, एक्चुअल में ये स्मॉल में लिखना था। तो फ्रीक्वेंसी जो हम लोगों का दिया है 5, 6, 5, 3 और 2, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का ऐड में अगर थोड़ा सा प्लस माइनस हो तो जल्दी से बताइएगा। इसका टोटल जोड़ने पर 6, 5, 11, 5, 16, 5, 21, यानी कि सिग्मा F इज इक्वल टू 21। इसके बाद हम लोगों को निकालना होता है एम भी, यानी कि एक्स। एक्स के लिए क्या करते हैं? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, तो 18 प्लस 12 30, उसको डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, तो ये कितना बनेगा एम भी हम लोगों का? 15। यहाँ पे डिफरेंस कितना का है? 6-6 का डिफरेंस चल रहा है, यानी कि आई जो है वो 6-6 का है, तो ये हम लोगों का बनेगा। फिर ज्यादा डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, जो डिफरेंस होता है उसी को ऐड करते जाना है। तो 15 और 6 21, 6 27, 6 33 और 6 39, ठीक है। इसके बाद स्केल मेरे पास नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको तिरछा दिख रहा होगा, ऐसे उम्मीद है सीधा आप लोग समझ रहे होंगे। एम भी निकलने के बाद शॉर्टकट मेथड में हम लोगों को निकालना होता है डी एक्स, और ये डी एक्स कैसे निकलता है? ये निकलता है एक्स माइनस ए। यहाँ पे ए का मतलब है एज्यूम,
यहाँ पे ए का मतलब है ए इज इक्वल टू एज्यूम, ठीक है। तो एज्यूम क्या है, एम भी में यानी एक्स में से ही हम लोग कोई भी एक डेटा को ए मान लेंगे, ठीक। कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग बीच का ही डेटा को माने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम लोग 15 को भी मान सकते हैं, 21 को भी मान सकते हैं, 27, 33 और 39, किसी को भी ए माना जा सकता है। तो इससे पहले क्लास में हम लोग बीच वालों को ए माने थे। बीच वालों के इसलिए ए नॉर्मली मान लिया जाता है क्योंकि ये थोड़ा अच्छा लगता है। तो अगर हम लोग इसको यानी कि 27 को ए मान लें तो फिर क्या करेंगे हम लोग, 15 यानी कि एक्स माइनस ए 15 से 27 को घटाएंगे तो ये हम लोगों का होगा माइनस 12। 21 से 27 को घटाएंगे तो होगा माइनस 6। 27 से 27 को घटाएंगे तो 0। 33 से 27 को घटाएंगे तो हम लोगों का ये बनता है 6। और 39 से 27 को घटाएंगे तो हम लोगों का बनेगा ये 12, ठीक है। इसके बाद रितेश क्या, हाँ ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को निकालना होता है एफ डी एक्स। तो एफ डी एक्स के लिए क्या करना होगा, एफ डी एक्स के लिए हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये एक्चुअल में हम कैपिटल एफ लिख दिए थे, ये एक्चुअल में होता है स्मॉल एफ। एफ से एफ डी एक्स को हम लोग क्या करते हैं, इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई। ये दोनों को इंटू करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है ना उसी को एफ डी एक्स कहा जाएगा। तो माइनस 12 इंटू 5 हम लोगों का होगा माइनस 60। 6 माइनस 6 माइनस 36। 5 इंटू 0 0। 6 इंटू 3 18। 12 इंटू 2 24। इसमें थोड़ा लाइन नहीं है तो ध्यान रखना है, ऊपर नीचे आप लोग मत कर दीजिएगा। तो अब हम लोगों का सिग्मा एफ डी एक्स कितना आएगा, तो ये क्या करना है हम लोग को, जो माइनस है उसको एक जगह कर लेंगे और जो प्लस में है उसको एक जगह कर लेंगे। तो हम लोगों का सिग्मा एफ डी एक्स कितना आएगा, तो देखते हैं कितना आता है। माइनस 60 माइनस 36 ये हम लोगों को हो जाएगा माइनस 96। और 18 प्लस 24 ये हम लोग का हो जाएगा 42। तो 96 जो कि माइनस में है प्लस 42 है तो हम लोगों का ये होगा माइनस 54। लिखा हुआ सही दिख रहा ये थोड़ा बता दीजिए, लिखा हुआ सही दिख रहा या फिर जूम कर दें। फैजान 54 नहीं, माइनस 54 आएगा क्योंकि हम लोगों का माइनस ज्यादा है। रिया माइनस 54, सिर्फ 54 नहीं, ठीक है। हो सकता है माइनस टाइप करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट के लिए फॉर्मूला क्या था, मीन by short cut method, इसके लिए formula था sorry थोड़ा सा मेरे पास rubber भी है। mean is equal to ए प्लस सिग्मा
एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो हम लोगों का इस क्वेश्चन में ए कितना माने हुए थे, 27 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स कितना आया, माइनस 54, और सिग्मा एफ कितना था, 21। तो हम लोगों का माइनस 54 को 21 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, तो 21 दूना 42, 12, 21 बचे 110, ठीक है, काटने पर आएगा 2.56, यही अप्रोक्स में हम लोगों का यही आ रहा है 2.56। तो हम लोगों के पास वैल्यू बचा 27 प्लस 2, ये प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। माइनस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस था, 27 माइनस 2.56। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा घटाने पर 24.44, ये आंसर होगा। हाँ ठीक है, 2.58 अप्रोक्स में, पॉइंट के बाद कुछ भी अगर आता है उतना सा चलता है प्लस माइनस। मेरा 5.6 आया है, किन्हीं का 4.3 आया है, किन्हीं का 5.8 आया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 डन हो गया, सबका बन गया 11। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, जल्दी से कमेंट में बताइए हाँ और ना, ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अगर फोटो सही आ रहा हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हम चाह रहे हैं आज आप लोगों को स्टेप डेविएशन मेथड भी बता दें। टोटल 18 लोग, अभी तक 17-18 लोग ऑनलाइन नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आज स्टेप डेविएशन हम लोग देखते हैं, स्टेप डेविएशन होता क्या चीज है। मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। अगर स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोगों को मीन निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हम लोगों का होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स
डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इनटू आई। फॉर्मूला को जल्दी से लिख लीजिए, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी। यहाँ पे एक आपका इन्वर्टेड कॉमा तो नहीं कहेंगे, इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में डैश कह लीजिए, सिग्मा एफ डी डैश एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इनटू आई। आई क्या होता है, जो एल वन और एल टू का जो डिफरेंस होता है वही आई कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज रिवाइंड करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन हम लोगों का जो है, वो है क्वेश्चन नंबर 12। आज हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 12 कवर करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। मीन में एक चीज याद रखिएगा, अगर डेटा इस तरह से हो, इस तरह से हो, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है आप लोगों का क्लास, यानी कि सी आई क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24 और लास्ट है 25 से 29। इसका फ्रीक्वेंसी था 15, 18, 27, 14, 9 और 7। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ, ये आप लोग बताइएगा कुछ देर में, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। एम भी यानी कि एक्स, एक्स हम लोगों का, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हम कह रहे थे मीन में जब इस तरह का डेटा हो 0 से 4 फिर 5 से 9, तो यहाँ पे जो एक सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस नहीं मिल पा रहा। वो सीक्वेंस क्या होगा, 0 से 4, 4 से 8 होना चाहिए, फिर 8 से 12 होना चाहिए था, इस तरह से होता, लेकिन इस तरह से नहीं हुआ। ठीक है रितेश, F इज इक्वल टू 90, तो यहाँ पे वो सीक्वेंस नहीं है। तो मीन में ना आप लोग पहले 12th में पढ़ चुके होंगे कि जब इस तरह से डाटा हो तो L1 से 0.5 घटाते हैं और L2 में 0.5 जोड़ते हैं, ताकि वो एक सीक्वेंस में, एक क्लास में आ जाए। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा, मीन में वो करने का जरूरत नहीं है, 0.5 घटाना है, 0.5 जोड़ना है, इसका जरूरत नहीं है। वो जरूरत पड़ता है मीडियन में और मोड में। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों को याद होगा मीडियन में जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें L1 यूज होता है, उसी तरह मोड में जब यूज करते हैं वहां पे भी L1 यूज होता है, इसलिए वहां पे मीडियन और मोड में पॉइंट से एडजस्ट किया जाता है 0.5 से, लेकिन मीन में करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम लोगों का मीन वैल्यू कितना होगा, 4 + 0 = 4, तो हम लोगों का ये होगा 2। डिफरेंस 4 का है तो इसको हम लोग
चार से तो नहीं चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट का थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए 9 5 14 डिवाइडेड बाई 2 तो ये हम लोगों का 7, इसी तरह से 10 और 14 24 डिवाइडेड बाई 2 तो हम लोगों का ये हो जाएगा 12। यहाँ पे सीक्वेंस देख रहे हैं 2 7 12, यानी कि 5 का डिफरेंस चल रहा, इसलिए अब बार बार डिवाइड करने का हम लोग को जरूरत नहीं है, सिंपल 5 हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा हम लोगों का 27, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग निकालते हैं डीएक्स, जैसे शॉर्टकट मेथड में डीएक्स निकाले थे वैसे ही स्टेप डेविएशन में भी डीएक्स निकालेंगे, और डीएक्स के लिए क्या करना होता है, एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स में हम लोग कोई एक डाटा को अज्यूम करेंगे। रानी और रिया आप लोग ऑनलाइन है, कमेंट करके जल्दी बताइए। नुपुर और कौन कौन लोग हैं जल्दी से, फैजान वो 0.1 से 4.5 नहीं होगा। जल्दी जल्दी बताइए, ऑनलाइन है, बस ए बी सी डी एस जो भी लिखना हो जल्दी से लिख के बता दीजिए ताकि हमको पता चल जाए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए तो हम लोग डीएक्स निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम फिर एज्यूम कर लेते हैं कोई बीच वाला डाटा ही एक्स में से, तो हम एज्यूम कर रहे हैं 17 को एज्यूम करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 17 को ही किया जाए, आपको कोई भी आसान लगे कर लेना है। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स का हम नाम लिए थे, कुछ का नाम नहीं ले पाए, एक्चुअल में हम सबको कह रहे हैं जो है वो अपना प्रेजेंटेशन बता दे कि है, ताकि बताने में आसानी हो। तो चलिए घटाते हैं हम लोग, 2 में 17 घटाएंगे तो बनेगा ये हम लोगों का -15। उसके बाद 7 में 17 घटाएंगे तो ये -10, 12 में 17 घटाएंगे तो -5, 17 में 17 घटाएंगे तो 0, 22 में 17 घटाएंगे तो 5, 27 में 17 घटाएंगे तो 10। अब देखिए एक नया चीज स्टेप डेविएशन में क्या जुड़ता है, शॉर्टकट में हम लोग सिर्फ डीएक्स निकाल रहे थे लेकिन स्टेप डेविएशन में ना डी डॉट एक्स आएगा, डी डैश एक्स। ये कैसे निकलता है, ये निकलता है डी एक्स को डिवाइड करते हैं हम लोग आई से, ठीक है, डी एक्स को डिवाइड करेंगे हम लोग आई से, आई मतलब जो डिफरेंसेस है। तो यहां पे आई कितना है, आई हम लोगों का एक्चुअल में 5 है, हम आप लोगों को बताए थे कि इसको 0.5 या 4.5 करने का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप डी डैश एक्स को फाइंड करना हो या कर रहे हो तो डीएक्स को जब आई से डिवाइड करेंगे ना तब करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में डिफरेंस देखते हैं है कितना, या आप ऐसे कर सकते हैं कि 0.5 से 4.5, तो यहाँ का दूरी एक्चुअल में कितना है, 0.5 तो नहीं
माइनस 0.5, क्योंकि जीरो था हम लोगों के पास, इसलिए। तो यहां से यहां का जो डिफरेंस है वो 5 है। लेकिन इसका एक और शॉर्ट तरीका आप लोग को हम बताते हैं। आई कितना है उसके लिए जब ये नॉर्मल सी आई होता तो पता हम लोगों को चल जाता कि आई कितना है, लेकिन ये तो नॉर्मल है नहीं, तो फाइंड कैसे करेंगे? तो इसका एक नॉर्मल सा तरीका ये है कि मीड वैल्यू में चेक कर लीजिएगा डिफरेंसेस कितना का है। तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो 5 का डिफरेंस है, इसलिए हम लोग का आई इज इक्वल टू जो है वो 5 होगा। तो चलिए काम करते हैं अब हम लोग। नहीं, 9.4 जो आप बता रहे हैं रितेश, हाँ ठीक है, 5 हम लोग का जाएगा, लेकिन यहाँ से चेक करना है जो अभी कुछ सेकंड्स पहले हम बताए। तो चलिए dx यानी कि माइनस 15 को हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये कितना बनेगा? -3। ठीक इसी तरह सबको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, ये तो ये बनेगा -2, ये बनेगा -1, 0, 5 एका 5, 5 दूनी 10। यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद है क्लियर होगा कि d-x हम लोग कैसे निकालते हैं। और एक लास्ट काम फिर स्टेप डेविएशन में ये होता है, हम लोग f(d-x) निकालेंगे। शॉर्टकट मेथड में हम लोग क्या निकाल रहे थे? f(d-x) और स्टेप डेविएशन मेथड में क्या निकालेंगे? f(d-x) यानी कि अभी हम लोग f को इंटू करेंगे d-x से और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम लोग का होगा f(d-x)। तो चलिए 15 + 45, तो ये हम लोगों का -45, 18 × 36, तो ये -36, इसी तरह 27 - 1 -27, 14 × 0, तो ये हम लोगों का 0, 9 + 1 = 9, 7 × 14। अब हम लोग निकालते हैं सिग्मा f(d-x), ये टोटल को अब हम लोग जोड़ेंगे। तो हम लोग नॉर्मल ही यहाँ पे देखिएगा माइनस का जो सम आने वाला है वो ज्यादा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में डिजिट्स ज्यादा है और प्लस में कम है। तो चलिए थोड़ा जोड़ घटा करते हैं, 6, 5, 11। हम कैलकुलेटर से हम यूज कर रहे हैं, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर है। तो सॉल्व करने पर ना रितेश, 193 माइनस में नहीं आने वाला है, हो सकता है सिर्फ ऊपर का वैल्यू आए। सॉल्व करने पर आ रहा है -85 आया। तो अब इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट करके आंसर बनाएंगे। हाँ ठीक है नाजिश, चलिए तो फॉर्मूला में पुट करते हैं हम लोग। मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डाइस एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू आई। हम लोगों का ए हम लोग एज्यूम कितना किए थे? 17 को, ये हम लोगों का 17 प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स कितना आया है? -85 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ हम लोगों का 90 आया है यहाँ पे, तो हम लोग नीचे में डालेंगे 90 इंटू आई कितना निकाले थे हम लोग? 5। तो सॉल्व करने पर फिर हम लोगों का ये आने वाला है
85 को अगर डिवाइड करें तो 0.94 यही कुछ आ रहा। ठीक है, तो एक स्टेप और 17 माइनस 0, ठीक है, प्लस का साइन रहने देते हैं, 0.94 × 5। तो अब हम लोगों का 17, यहाँ पे माइनस का साइन है और ब्रैकेट से बाहर प्लस का, इसलिए प्लस माइनस माइनस इंटू करने पर 5 × 20, 5 × 9 = 45 और 2 × 47 4.70। तो सॉल्व करने पर हम लोगों का ये आएगा 12.30। यही हम लोगों का आंसर है। बुक में हो सकता है थोड़ा पॉइंट का आगे पीछे हो, लेकिन ये हम लोगों का आ गया 4.70। ठीक है, पॉइंट के बाद हो सकता है थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, कोई बात नहीं। तो ये हम लोगों का है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग कुछ कुछ नया सीख गए होंगे। तो ये था स्टेप डेविएशन। अब एक क्वेश्चन आप लोग को हम देते हैं, उसको जल्दी से सॉल्व कीजिएगा और हम जो सॉल्व करेंगे उससे मिला लीजिएगा। आप लोग को बस क्वेश्चन देख करके अपना बनाना है, बाद में मेरा आंसर देखिएगा। तब तक हम भी बनाएंगे, लेकिन फोन पे नजर नहीं डालिएगा आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग को हम देते हैं, बुक का क्वेश्चन नंबर 17 है ये। एक्चुअल में ये हम लोगों का शॉर्ट स्टेप डेविएशन मेथड से बनाने के लिए क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन पहले देख लीजिए, बुक का ही क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में हम लोगों का सी आई दिया हुआ है 100, 200, 300, 400, 500, 500 से 600 और फ्रीक्वेंसी इसका दिया है 15, 33, 65, 83 और 100। ठीक है, तो इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पे एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 15, 33, 65, 13 और 100 है, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं बना, क्वेश्चन में ये जो दिया है ये सीएफ है, क्योंकि बढ़ते क्रम में चला गया है, इसलिए इसको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में बदलेंगे, फिर एमडी निकालेंगे, फिर डीएक्स, डी डैश एक्स, एफ डी एक्स और हम लोग स्टेप डेविएशन से मीन फाइंड करेंगे। तो आप लोग अपना अपना बनाइए और अभी हम अपना बना रहे हैं, मेरा साउंड भी नहीं आएगा आप लोगों को, फिर हम लोग मिला लेंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए।
बराते बराते में कोई अगर हमारे चैनल में नए हो स्टूडेंट तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। ठीक है, देखिए सुन लीजिए आप लोग अपना बनाते बनाते में dx जब निकालेंगे तो हो सकता है आप लोग सब कोई अपना अपना अलग मान रखिएगा। प्रगति 1750 आप किस चीज का आंसर बता रहे हैं या कौन सा पॉइंट, वो तब थोड़ा आगे जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान थोड़ा सुन लीजिए। एमबी में हो सकता है आप लोग कोई भी अलग मान रखे हो, लेकिन हम एक सजेस्ट कर देते हैं आप लोग फिलहाल 350 को ए लेकर के बनाइए ताकि मेरा और आपका भी आंसर सेम हो। तो 350 को लेकर बनाइए, फिर जब आप लोग क्लास के बाद खुद से रिवीजन कीजिएगा घर पे तब एक बार चेक कीजिएगा कोई भी एक अदर डाटा को लेकर के बनाने का, देखिएगा आंसर आता है या नहीं आता है। तो अभी 350 को लेकर बनाइए। जीरो हाँ, क्वेश्चन में L1 100 है फरीद, हम लोगों का आई भी 100 होगा क्योंकि एमबी में देख रहे हैं डिफरेंस 100 का चला है। तो सॉल्व करने पर ये हम लोगों का -48 और ये 52 यानी कि +4। आंसर -26 नहीं आएगा, इसका आंसर 354 है रितेश।
हाँ फरीद बोलिए। सही है, नाजिश 354। नौशाद सर के चुन्नू मुन्नू लोग आए हैं ऑनलाइन। फरीद फैजान नाजिश तो नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन में L1 गलत लिए हैं। 100 से 200, 200 से 300 क्वेश्चन तो बुक में यही था। फ्रीक्वेंसी भी हम लोग का सही निकला है 15, 18, 32, 18, 17। हाँ प्रगति, 354 आंसर सही है। वो हम लोग सही जा रहे हैं फरीद। डी डैश एक्स इज इक्वल टू डी एक्स कैसे निकला है? ये हम पिछला क्वेश्चन में आप लोगों को बताए थे कि डी डैश एक्स निकलता कैसे है। ये जो डी एक्स डेटा आप निकालते हैं इसको आई से डिवाइड किया जाता है। तो आई क्या है? एमबी में जो डिफरेंस है, जैसे यहाँ से देखिए 150, 250, तो 100 का डिफरेंस है, तो उसी 100 को आई कहा जाएगा, इंटरवल। या यहां से चेक कर सकते हैं सीआई से कि इसमें दूरी कितना कितना का है। 100 से 200, 200 से 300, यानी कि 100 का डिफरेंसेस है, वही चीज है। तो आंसर 354। देखते हैं हम भी सॉल्व करके। मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी टैक्स एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ इंटू आई। तो सॉल्व करने पर हम लोग का ए था 350 प्लस ये हम लोगों का सिग्मा एफ डी डैश एक्स जो है वो 4 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ हम लोगों का 100 है जो कि यहाँ पे है, इंटू आई भी हम लोगों का 100 है, तो क्रॉस में 100 और 100 डिवाइड हो गया। बचा क्या? 350 प्लस 4, ये हो गया हम लोगों का 354। यही हम लोगों का आंसर है, 354। तीन सौ चौवन पॉइंट चार, 354.4 नहीं आएगा, एग्जैक्ट 354 ही आएगा। तो सारे लोगों का आ गया। तो कैसा लगा आज का क्लास? पिछला दो क्लास से बेटर था? जल्दी से कमेंट में बताइए और क्लास को एंड करेंगे। आज साउंड भी सही सही रहा होगा और पिक्चर भी थोड़ा सही दिख रहा होगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा आज लिखे हैं, बोर्ड में दूरी की वजह से रेजोल्यूशन कम हो जाया करता था। और उम्मीद है कि आप लोग ऑनलाइन क्लास करना बहुत कुछ नया नया सीख गए होंगे। बस बस बस, उतना ज्यादा तारीफ नहीं करना है, आपको पता है अभी बहुत सारा कमी है, लेकिन वो भी कमी दूर हो जाएगा। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा सारा कमी दूर हो जाएगा। तो सारे लोगों का आंसर आ गया है, तो क्लास को हम लोग एंड करते हैं। और दूसरा चीज, कोरोना वायरस से डरने का किन्हीं को भी जरूरत नहीं है। अभी झारखंड में इसका एक भी केस नहीं है और होगा भी नहीं, इतना तो उम्मीद है झारखंड का लोग से। हम लोग को भी घर पे ही रहना है, बिना जरूरत का बाहर नहीं निकलना है, ठीक है? हम घर से आ जाते हैं, ये माइंड में चलता होगा आप लोगों का कि हम भी तो घर से निकल जाते हैं। एक्चुअल में हम घर से निकलते हैं तो हम पूरा सेफ्टी के साथ अभी निकल रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लास आए। अभी जो हम क्लास ले रहे हैं ये ट्यूशन से ही बैठ करके ले रहे हैं, तो मेरे लिए जरूरी है इसलिए हम निकलते हैं।
और ये जरूरी होना भी चाहिए क्योंकि आप लोगों का जिम्मेदारी है मेरे पास, मेरे ऊपर में, खास के मेरे ऊपर आप लोगों का जिम्मेदारी है, इसलिए भी हम निकलते हैं। लेकिन आप लोग जब बहुत ज्यादा कोई काम हो, जैसे दवा लेना हो या पानी लाना हो, तभी बहाना बना करके नहीं, एकदम सही में रिक्वायरमेंट है तभी निकलिएगा। बहाना बना करके मत निकलिएगा क्योंकि इससे नुकसान आपको भी होगा, परिवार वालों को भी होगा, और सबसे ज्यादा नुकसान हमको होगा। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स के साथ कुछ वैसा हो। तो आप लोग भी घर पे रहिए, बोर नहीं होइएगा। लगता है थोड़ा थोड़ा नेट है, इंटरनेट्स है, तो बोरिंग तो हो गए ही नहीं, कुछ कुछ नया नया चीज सीखते रहिए नेट में। जैसे शेयर मार्केट के बारे में सीख लीजिए, या अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में सीख लीजिए। इंडिया में इसके डायरेक्टर कौन है, ये चीज को जान लीजिए। कुछ नहीं तो कम से कम जनरल नॉलेज मिल जाएगा। तो ठीक है, क्लास को अब इतना में ही ऑफ करते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं आगे क्वेश्चंस के साथ, जो कि हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से, या फिर हम आप लोग को व्हाट्सएप में दे देंगे। और कल ऐसा है, कल आप लोग को हम सिखाएंगे मिसिंग वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को। तो आज के लिए इतना है, तो अब हम लोग क्लास को एंड करते हैं। सभी को गुड बाय, टेक केयर।